गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 का नागरिक शास्त्र विषय का पाठ 3 में क्या है, चुनावी राजनीति, चुनाव के बारे में बताया गया है। चुनाव की राजनीति कैसे क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। इसमें परिचय बता रहा है सबसे पहले कि अध्याय 1 में हमने देखा है कि लोकतंत्र के लिए यह न तो संभव है न ही जरूरी है कि लोग सीधे शासन करें। तो हम अध्याय 1 में यह देखे हैं, पाठ 1 में पढ़े हैं, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र में हमने यह देखा है कि यह जरूरी नहीं है और यह संभव भी नहीं है कि लोग सीधे शासन करें, कि लोग जो हैं जनता सीधे शासन करें लोकतंत्र में। तो हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम स्वरूप जो लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने का, इस अध्याय में देखेंगे कि किसी लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है। फिर हम यह सवाल उठाएंगे कि किन किन चीजों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है। ठीक है, तो हमने ये पिछले अध्याय पढ़ लिया है कि डायरेक्ट कोई भी लोग शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह हम देखें कि आम स्वरूप में लोगों द्वारा अपने मत से प्रतिनिधियों को चुना जाता है। फिर उसके बाद जो है यह देखेंगे कि इसको समझने की कोशिश करेंगे कि विभिन्न दलों की चुनावी प्रतिद्वंदितियाँ किस तरह के लोगों को लाभ पहुँचाती है। फिर भी हम यह सवाल उठाएंगे, क्या उठाएंगे सवाल, कि किन किन चीज़ों के कारण कोई चुनाव लोकतांत्रिक होता है, कि यह किन किन के कारण यह चुनाव जो है राजनीतिक चुनाव लोकतांत्रिक बन जाता है। फिर हम देखेंगे कि अध्याय बाकी हिस्से में इन्हीं पैमानों के आधार पर भारत में हुए चुनावों का मूल्यांकन करेंगे और इसे क्रम में हम चुनाव के प्रत्येक चरण यानी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से लेकर चुनाव परिणामों की घोषणा तक नजर डालेंगे। इसमें हम पूछते हैं कि चुनाव क्यों होता है। ये जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बारे में बताया गया है कि यह हरियाणा में 1987 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में जुड़ी एक अखबार की खबर है। ये कहाँ की खबर दे रही है, हरियाणा के विधानसभा राज्य विधानसभा से जुड़ी एक चुनाव अखबार ने खबर दी है कि 1982 से कांग्रेस पार्टी के अगुवाई वाले सरकार थी, तब विपक्ष के एक नेता ने चौधरी देवीलाल ने न्याय उद नामक आंदोलन का नेतृत्व किया और लोक दल नामक अपनी नई पार्टी का संगठन किया। तो ये हमारे उन लोगों तक की सरकार से नाखुश थे, वे देवीलाल के वायदे की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन जब चुनाव हुए तो उन्होंने लोकदल और उसके सहयोगी दलों के पक्ष में जमकर वोट दिए, लेकिन और उसकी सहयोगी पार्टियों को राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 76 पर जीत मिली, लोकदल को अकेले ही 60 सीटें मिली और उसे स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस के हाथ तब सिर्फ 5 सीट लगी थी, इसलिए तत्काल हम ये जरूर देखेंगे कि उनके बाद सरकार ने एक आदेश और छोटे व्यापारियों के बकाया ऋण को माफ कर दिया, इसीलिए हम इस बार उनकी पार्टी के लोगों को समर्थन नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता और सरकार बनाई। तो ये कहाँ की खबर थी, हरियाणा की, हरियाणा के एक अखबार ने यह खबर छापी थी। इसलिए हम देखेंगे चुनाव के सरकारी नीतियों में बदलाव हो सकता है। जगदीप और नवप्रीत ने इस कथा को पढ़ा और निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं, कहाँ पहुँचे, क्या समझे। ठीक है, इसमें जो है चुनाव से राज्यपाल ने देवीलाल के भाषणों से प्रभावित होकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का न्योता दिया। किसके भाषण प्रभावित हुए, राज्यपाल देवीलाल के भाषण प्रभावित हुए। लोग हर शासक दल से नाराज रहते हैं और हर अगले चुनाव में उसके खिलाफ वोट डालते हैं, क्योंकि चुनाव जीतने वाली पार्टी सरकार बनाती है और इस चुनाव से हरियाणा के आर्थिक विकास में काफ़ी मदद मिली, हरियाणा के विकास की उन्नति के लिए काफ़ी मदद मिली
और अपनी पार्टी के चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं मिली। तो हम इसमें चुनाव की जरूरत क्यों समझते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव जो होते हैं। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होता है। इसलिए चुनाव लोकतांत्रिक बनाने के आधार पर क्या होता है, चुनाव कई तरह के हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते हैं।